नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन फैकल्टी पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले 2-3 दिन से मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं। मूल अधिकार कुल मिला के 6 होते हैं। एक होता है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट होता है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं समानता का अधिकार से। समानता का अधिकार का अधिकार यह है आपका 14 से 18 तक। ठीक, इसमें है पहला आपका अनुच्छेद 14 का कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र के में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। लिखा है इसमें कि राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि की समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें 2 शब्द है, पहले इसको हम लोग नोट करते हैं तो फिर समझते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद 14 में यह लिखा गया है कि राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक, देखिए इसमें 2 शब्द दिया है, एक है विधि के समक्ष समता, एक है विधियों के समान संरक्षण। ठीक, अब इसमें 2 शब्द देने का मतलब यह है, जैसे आप बात करते हैं हम विधि की समक्ष समता की, तो जैसे आप अदालत में जाओगे तो एक स्त्री रहती है और उस पर उसके आँख पे काली पट्टी बंधी रहती है, उसका मतलब ये होता है कि हमारे नज़र में यहाँ जो भी है सब एक समान है, कोई ऊंच नीच, कोई बड़ा छोटा, कोई वो नहीं है, हमारे नज़र में सब एक समान है। इसलिए ये बात कही गई है कि कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। ठीक, एक है आपका विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण में होता है कि भाई अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह का कानून व्यवस्था बन सकता है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, पहले हम इसको समझते हैं, नोट कर लेते हैं, फिर बाद में समझते हैं। पहले 2 शब्द हम लोग नोट करते हैं, इसमें 2 शब्द दिया गया है। पहला है आपका विधि के
समक्ष समता, एक शब्द दिया गया है आपका विधियों का समाज संरक्षण, एक शब्द दिया गया है इसमें विधियों का समान संरक्षण। ठीक, ये देखिए ये नकारात्मक अवधारणा की बात करता है, ये नकारात्मक है, ये जो है कि सकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, ये जो है कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से, ये जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, तो विधि के समक्ष समता का मतलब यह है, हम अभी बताएं आपको कि इसके नज़र में चाहे प्रधानमंत्री का बेटा हो, बेटा हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री हो, चाहे रिक्शा चालक का बेटा हो, चाहे चपरासी हो, सब इसके नज़र में सब एक समान है। अगर कोई गलती करता है तो जो सज़ा प्रधानमंत्री को होती है वही सज़ा एक रिक्शे वालों को भी होगी। वही कहता है विधियों का समान संरक्षण में कि नहीं, अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती है, आदमी किस परिस्थिति में कौन सा कार्य करता है उसको ध्यान पूर्वक देने के बाद ही सज़ा इसको निर्धारित की जाएगी। हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं इस बात को। महाभारत में जब हस्तिनापुर में युवराज चुनने की बारी चल रही थी तो उस समय दुर्योधन थे और युधिष्ठिर थे, तो उस समय जो है कि दरबार में तीन व्यक्ति थे, एक जनरल का था, एक ओबीसी का था, एक एससी का था, ये तीनों मिल के किसी व्यक्ति की हत्या कर दिए। तो इस दरबार में जब गए थे तो दुर्योधन से पूछा गया, भाई बताओ इन तीनों को कौन सी सज़ा दी जाएगी। तो दुर्योधन ने कहा कि महाराज, इन तीनों ने जो है कि हत्या की है, इसलिए तीनों को जो है कि तीनों हत्यारे हैं, तीनों पर समान कार्रवाई की जाएगी। ठीक, ये रहा दुर्योधन का जवाब। वहीं जब पूछा गया युधिष्ठिर से तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं महाराज, ये तीनों की सज़ा अलग अलग होनी चाहिए। तो पूछा गया आखिर क्यों, तो उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो जनरल वाला है थोड़ा अधिक समझदार है, वो पढ़ा लिखा है, ओबीसी वाला थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, और एससी वाला बेचारा है तो ये तो साफ सफाई करने वाला है, मिलों के बहकावे में आके हत्या कर दिया है, तो इसलिए इन लोगों की अलग अलग सज़ा होनी चाहिए। ठीक है मित्रों, समझ में आ रहा होगा आपको कि विधि के समक्ष समता जो दुर्योधन ने कहा कि नहीं, सब ने हत्या मिल के हत्या की, इसलिए सबकी सज़ा समान होनी चाहिए, तो ये विधि के समक्ष समानता की बात करता है। और जब युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं महाराज, अलग अलग होना चाहिए, तो ये विधियों के समान संरक्षण की बात करते हैं। अगर समझ में आया हो तो ठीक, नहीं तो एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 40 साल का व्यक्ति है और कोई 15 साल का बच्चा है, किसी 40 साल के व्यक्ति ने अगर किसी व्यक्ति की जानबूझ की हत्या कर दी, ठीक, और एक बच्चे ने, मतलब खेल रहा है, कोई लोडेड बंदूक है, उससे गोली छूट गई, किसी की हत्या हो जाती है, तो अब दोनों की देखिए परिस्थितियाँ अलग अलग है, दोनों की परिस्थितियाँ अलग अलग है। अगर विधि की समान संरक्षण की बात करेंगे, विधि की समक्ष समता की बात करेंगे, तो दोनों की सज़ा एक होगी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि नहीं, आप बताइए कि बच्चे के साथ क्या किया जाए, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, इससे जो है कि जानबूझकर नहीं किया, इसे अनजाने में हुआ है, तो इसलिए इसको कम सज़ा दी जाएगी। तो इसलिए यह है विधियों का समान संरक्षण हो, विधि की समक्ष समता। दोस्तों समझ में आया होगा आपको, उम्मीद है, बहुत आसान शब्दों में कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये होता है, ये जो है ना कि हम लोग के देश में विधि की समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण दोनों लागू है। ज़्यादातर अगर बात करेंगे तो हम लोगों में विधियों का समान संरक्षण का जो है कि ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। जिससे आप देखेंगे कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन लोगों को मतलब
बहुत सारी छूट दिया गया होता है, तो ये विधियों के समान संरक्षण के ही वजह से होता है। आप लोग कभी सुने नहीं होंगे कि किसी महिला को जो है कि फांसी की सज़ा हो गई है भारत में, तो ये जो है कि ये विधियों के समान संरक्षण का ही प्रभाव होता है। ठीक है, तो दोनों विधियाँ लागू हैं भारत में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 14 समझ में आया होगा आपको, इसमें बस दो शब्द दिया है, दोनों को हम समझा दिए हैं कि विधि की समक्ष क्षमता का क्या मतलब होता है और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे आपके राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, तो इन पे जो है कि ना कि आप चाहोगे कि नहीं इनको हम सजा दें तो सजा नहीं हो पाएगा। इनका लिखा गया है पहला अपवाद कि राष्ट्रपति राज्यपाल पर कार्यालय के दौरान फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। ये मतलब इनको अपवाद है, ये मतलब भाई ये संवैधानिक पद है, अगर कोई भारत के संवैधानिक पद पर विराजमान है तो उसको आप ऐसे सजा नहीं दे सकते हो ना, तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है अपवाद में। अपवाद नंबर एक, इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रपति हुए चाहे राज्यपाल हुए, राष्ट्रपति राज्यपाल पर कार्यकाल के दौरान फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। ठीक, यदि दीवानी मामला हो तो दो माह पूर्व नोटिस देकर कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, इसलिए ऐसा कहा गया है, दीवानी मामला जो होता है, दीवानी मामले जो होते हैं ना, तो इसमें सजा का प्रावधान नहीं होता है। जिसे मतलब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, मतलब संपत्ति का हस्तांतरण हो रहा है, या कोई पारिवारिक विवाद है, तलाक है, चाहे बच्चे का परवरिश को लेकर मामला है, तो ये सब दीवानी मामले में आते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो इनको सजा कोई प्रावधान नहीं होता है, इस पर बस दंड लगता है। तो इसलिए अगर दीवानी मामला भी हो अगर है तो चलाया जा सकता है, लेकिन 2 महीना पहले उनको सूचना देनी पड़ेगी। ठीक, अपवाद नंबर एक क्लियर हो गया दोस्तों। आइए अपवाद नंबर दो को देखते हैं। अपवाद नंबर दो, राष्ट्रपति या राज्यपाल को कार्यकाल के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय में कोई प्रक्रिया
प्रारंभ नहीं की जाएगी। ठीक, अगर भारत के जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं अगर वो पद पे हैं, अगर इसके पहले कोई भी ऐसा अपराध किए हैं तो उस समय भी उनको गिरफ्तार करने के लिए जब तक वो पद पे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना इस प्रकार की कोई कार्रवाई की जा सकती है। यदि वो अपना पद छोड़ते हैं, अपना पद छोड़ देते हैं, एक सामान्य नागरिक की तरह हो जाते हैं, तो उन पर जो है कि पहले से की गई कार्रवाई पे उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार राष्ट्रपति बन गए तो लाइफ टाइम के लिए वो हो गए, ऐसा नहीं है। वो भी कानून के बराबर ही है, वो कानून के नज़र के समान ही है, सबके एक समान ही है, वो भी उनको भी सज़ा दी जा सकती है। लेकिन भाई अगर वो पद पे हैं तो उनको इस प्रकार की कोई भी कारावास की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग अपवाद के बाद, तीसरी बात करते हैं अपवाद ही में, तीसरी बात करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए संसद है, अपवाद तीन, अगर संसद है या संसद की समिति में सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के लिए किसी भी प्रकार का वो न्यायालय में जवाब दे नहीं है, यानी कोई भी सदस्य संसद में जो भी बहस जो कार्रवाई हो रही है कोई भी बात कह दे रहा है तो उसके लिए वो न्यायालय में जवाब दे नहीं है, नोट करते हैं इसको, संसद या संसद की समिति में, संसद या संसद के समिति में, संसद या संसद की समिति में सदस्य द्वारा कही गई बात या मत के लिए किसी न्यायालय में जवाब दे नहीं है। यदि कोई भी संसद सदस्य है, यदि जो कार्रवाई चल रही है संसदीय कार्रवाई जो चल रही है, या तो पक्ष में मत दे या विपक्ष में मत दे या कुछ भी ऐसी बातें बोल दे, तो उस पर जो है किसी प्रकार के न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती, वो संसद सदस्य इसके लिए उनको छूट दिया गया है। ठीक है, जैसे इसी मामले में बात करें तो विधानमंडल में भी उपरोक्त अधिकार, यही जो अधिकार इस संसद सदस्यों को, वही अधिकार विधानमंडल के सदस्यों को भी है। ये अधिकार अनुच्छेद 105 के तहत, अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्यों की छूट दी गई है। अगर बात करें विधानमंडल की बात, अनुच्छेद 144 के तहत राज्य विधानमंडल को उपरोक्त अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपवाद है। इसके अलावा एक और अपवाद की बात करेंगे तो विदेशी राजदूत जो भारत में रहते हैं उन लोगों पर भी किसी प्रकार की दीवानी फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक, तो अगर बात करें हम लोग अपवाद में, ये है आपके जैसे किसी विदेशी राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति पर व्यक्तियों पर
देश में, देश में दीवानी फौजदारी फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा अनुच्छेद 14 के अपवाद। अनुच्छेद 14 के अपवाद जैसे में है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अगर वो अपने कार्यकाल में है तो उन पर जो है कि किसी प्रकार का दीवानी और फौजदारी मामला नहीं चलाया जा सकता। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर दीवानी मामला चलाना हो तो उनको 2 माह पहले पूर्व सूचना देनी होगी। ठीक, दूसरी बात, अगर वो जो है कि अपने पद पर हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल तो उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है, न पहले से द्वारा किए गए अपराध पर उन पर कोई कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब उसी प्रकार जैसे अब संसद है चाहे विधानमंडल है, ये लोग भी अपने में जैसे जो संसदीय कार्रवाई चलती है, विधानमंडल की कार्रवाई चलती है, तो ये लोग भी पक्ष में विपक्ष में या सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं, उस पर भी इन लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। ये अपवाद है आपका अनुच्छेद 14 के। आइए देखते हैं अब अनुच्छेद 15। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 15, नोट करिएगा आप लोग अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 यह कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 5 आधार की बात करता है। अनुच्छेद 15 राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म के स्थान पे भेद भाव नहीं करेगा। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि आप चाहे किसी भी जाति के, धर्म के हो, चाहे लिंग के हो, चाहे कहीं के भी निवासी है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब अनुच्छेद 15(2) का कहता है, कि राज्य और व्यक्ति, मतलब राज्य तो नहीं करेगा, साथ में व्यक्ति भी, अगर कोई व्यक्ति भी है तो भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य और व्यक्ति इन्हीं 5 आधारों पे, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान
जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव नहीं करेगा। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान मूल वंश ये पांच आधार है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो राज्य है। अनुच्छेद 15(2) यही कहता है कि राज्य हो चाहे व्यक्ति, वो भी जो है कि किसी भी व्यक्ति के साथ इन पांच आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आप बात करते हैं, जैसे कोई होटल मालिक है, वो भी जो है कि इन पांच आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कोई सिनेमा हॉल का मालिक है, कोई दुकानदार है, तो वहाँ भी जो है कि सब चीज़ों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे देश में या कहीं भी आप जहाँ भी रहते होंगे, वहाँ पर जैसे सार्वजनिक स्थल होता है, जैसे फील्ड होता है बच्चे जहाँ खेलते कूदते हैं, या तो सार्वजनिक कुआँ होता है, या तो मंदिर होता है, या तो तालाब होता है, वहाँ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अगर इस आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो ये समझ लीजिए कि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। आप अनुच्छेद 32 के तहत उस व्यक्ति या उस राज्य के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। ये होता है अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 2 का पावर कि भाई आपके साथ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। जैसे आप नोट कर सकते हैं, इसमें होटल मालिक हो गया, होटल मालिक ठीक, या तो सिनेमा हॉल का मालिक हो गया, सिनेमा हॉल का मालिक हो गया, या फिर कोई दुकानदार हो गया, या तो कोई सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल मतलब जैसे तालाब होता है, कुआं हो गया, खेल मैदान हो गया, इन जगह पे भी किसी भी व्यक्ति के साथ इन पांचों आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक। लेकिन इसके अपवाद है, जैसे परमाणु स्थलों पे आप नहीं जा सकते हो कि नहीं इसमें जो है कि हमारे साथ छुआछूत नहीं होगा, हम वहाँ मतलब जा सकते हैं, उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं, वहाँ आपको प्रतिबंध है भाई, आप वहाँ नहीं जा सकते, वो खतरनाक है, वो आपको मतलब हानि पहुँचा सकता है। तो कुछ ऐसे स्थान होते हैं जिस पे प्रतिबंध होता है, वहाँ किया जा सकता है। तो जैसे मैं आप मान लीजिए उदाहरण के रूप में कि परमाणु स्थलों पर किया जा सकता है, अपवाद में लिख सकते हैं इसमें परमाणु स्थलों पर किया जा सकता है। ठीक, ये हो गया आपका 15(1) और 15(2). अब आगे चलते हैं हम लोग 15(3) पे। 15(3) में क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों समझ में आ रहा होगा क्लास, अगर आ रहा है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। ठीक, अब देखिए 15(3) क्या कहता है। 15(3) यह कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य महिलाओं और
राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये जो है कि सकारात्मक है। सकारात्मक इसलिए है कि राज्य को कुछ कहने करने के लिए कह रहा है, इसलिए सकारात्मक है। ठीक। अब इसके उदाहरण के रूप में अगर देखेंगे आप, तो हर गांव में, आप लोग के गांव में भी आंगनबाड़ी संस्था चलती है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे बच्चे हैं, उनका जो स्वास्थ्य, उनका देख रेख, उनकी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था जो है कि राज्य के द्वारा जो किया जाता है, जो महिलाएं आंगनबाड़ी की जो होती हैं वो सब वो कार्य करती है बच्चों को। जैसे महिलाओं को, अगर महिला जो है कि प्रेग्नेंट है या बच्चा छोटा है, तो उसको जो है कि कुछ पोषाहार भी दिया जाता है सरकार द्वारा, आंगनबाड़ी महिलाएं बांटती रहती है हर महीना में। ये इसके उदाहरण है जिससे बच्चों के और महिलाओं का विकास हो सकते हैं। ठीक। महिलाओं के प्रसूति अवकाश, जिसे मैं आप नोट कर सकते हैं उदाहरण के रूप में, महिलाओं को प्रसूति अवकाश दिया जाता है। ये अनुच्छेद 15(3) कहता है कि जैसे महिलाएं कुछ बच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं, अबला होते हैं, तो उसको कुछ सकारात्मक जो है कि प्रावधान किया जा सकता है। ठीक। आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15(4). ठीक है दोस्तों, 15(1), 15(2), 15(3) समझ में आया होगा आपको। 15(1) कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(2) कहता है कि राज्य के साथ साथ व्यक्ति भी किसी भी महिला, अरे इसी 5 धर्मों के साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, जैसे में महिलाओं को प्रसूति अवकाश दिया जाता है। अब बच्चों के जो है कि जो 5 साल से छोटे होते हैं, महिलाओं तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। आइए नोट करते हैं हम लोग 15(4). 15(4) को जो है कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। 15(4) को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। ठीक। अब इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान यह है कि राज्य जो है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए SC/ST या पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ठीक। राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC/ST या पिछड़ा वर्ग वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में
शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण आरक्षण दे सकता है। ठीक, पंद्राचार्य कहता है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण दे सकता है। बात यह है कि आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा कि प्रथम संविधान संशोधन 2021 में इसको क्यों जोड़ा गया। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है कि एससी एसटी की जो कि शैक्षणिक जो स्थिति थी बहुत बुरी थी, बहुत अच्छी नहीं थी। और पहले ये होता था कि जितने भी शिक्षण संस्थाएं थे उसमें मान लीजिए कि अगर 100 सीटें हैं किसी विद्यालय में, तो भाई पहले से सवर्ण जो सवर्ण है उनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो जाहिर सी बात है वो कंपटीशन में सबसे आगे रहेंगे, तो 100 को 100 सीट प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए अगर पीछे हुए जैसे एससी एसटी पिछड़ा वर्ग को अगर सामान्य वर्ग के साथ लाना है तो इन लोगों को कुछ सुविधाएं देनी पड़ेगी, इसलिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी शिक्षण संस्था में अगर 100 सीट है तो उसमें से कम 10 या 12 या तो 15 तक इन सब के लिए रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन सब के लिए रिजर्व नहीं होगा ये मुख्य धारा में नहीं आ पाएंगे, भारत में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित हों, सबकी सब लोग एक समान हो। इसलिए प्रथम संविधान संशोधन को सही पाया गया और शिक्षण संस्थाओं में एससी ओबीसी और पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया जाता है ताकि सब लोग पढ़ सके, बढ़ सके और सबका विकास हो सके। इसलिए मित्रों अनुच्छेद 15 जोड़ा गया था। ठीक, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आइए हम लोग बात करते हैं 15-5 से। 15-5 की बात करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब अनुच्छेद 15-5। अनुच्छेद 15-5 जो है 93वें संविधान संशोधन 2005 में ये जोड़ा गया था। ये 93वें संविधान संशोधन पाँच में जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान यह है कि एससी एसटी और ओबीसी की, दोस्तों हम लोग पिछले 15-5 में बात किए थे वो ओबीसी की बात नहीं किए थे क्योंकि उस समय ओबीसी नहीं था, लेकिन ओबीसी का डिफाइन अब हो चुका था 93वें संविधान संशोधन 2005 के बाद, पहले से ही हो चुका था। तो इस समय अस्तित्व में ओबीसी भी आ गया था, इसलिए हम ओबीसी की भी बात करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, एससी एसटी ओबीसी को उच्च शिक्षा शिक्षण तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, जैसे में आईआईटी हुआ, आईआईएम हुआ, ये सब उच्च शिक्षण शैक्षणिक संस्थान है, इसको नोट करिए। इसमें 15-5 में क्या प्रावधान है, एससी एसटी ओबीसी को उच्च शिक्षण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में
तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण, ठीक। आखिरकार इसको ऐसा क्यों किया गया, तो फिर वही बात आती है जो हम लोग अनुच्छेद 15(4) में बात किए थे कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है कि जो पिछड़े वर्ग थे उन लोगों की शैक्षिक संस्था अच्छी नहीं थी, शैक्षिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, वो वही काम जो पिछड़े वाला काम करते थे, झाड़ू पोछा और जो भी अन्य काम थे वो करते थे, इन लोगों से शिक्षण से कोई ज़्यादा लेन देना नहीं था। उस समय जो स्वर्ण थे उस समय वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत योग्य भी थे, वो लोग ज़्यादा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश पाते थे, इसलिए जो पीछे के जो वर्ग थे एससी ओबीसी एसटी को मुख्य समाज की धारा में जोड़ने के लिए इन लोगों को भी उच्च शिक्षण शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश में जो है कि छूट दिए जाने की बात कही गई थी इस अनुच्छेद 15(5) के तहत। अगर बात करें हम 2007 में जो है कि इन प्रावधानों पर जो है कोर्ट भी मामला गया था अशोक बनाम भारत सरकार संघ, तो उसमें जो है कि कोर्ट ने इस खारिज को मतलब इसको जो है कि खारिज कर दिया था और अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 4 को सही साबित किया था, ठीक। अगर बात करें हम कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) का जो आरक्षण मिला है वो किस आधार पर दिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार के कारण दिया गया है। नोट करते हैं, मस्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 15(4) और 15(5) का आरक्षण का आधार, वो आधार है आपका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक मित्रों, ठीक। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 15(5) में जितने भी आरक्षण दिए गए हैं वो सब आधार जो है आपका सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन था। एक अनुच्छेद 5(6) बचा है, उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 15(5) समझ में आया होगा, ये 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इसमें जो है कि जो पिछड़े वर्ग थे आपका एससी एसटी ओबीसी उन लोगों को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश देने के लिए यह व्यवस्था की गई थी, ठीक। इनका आधार था सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन। लास्ट बचा है आपका 15(6), ये बहुत लेटेस्ट है, ये जो है आपका 2019 में जोड़ा गया था, 15(6) 103वां संविधान संशोधन संशोधन 2019, में जोड़ा गया था। इसमें क्या प्रावधान था, ईबीएस यानी जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े सवर्ण थे उनको जो है कि इसमें आरक्षण देने की बात कही गई थी। नोट करते हैं, ईबीएस को आर्थिक पिछड़ापन के आधार पे
पिछड़ापन के आधार पर शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण संस्थाओं में दस परसेंट आरक्षण किया गया है। ठीक है मित्रों, उम्मीद है आपको अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 14 बहुत डिटेल किया गया है, आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कुछ छूटा नहीं है। कल हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 16, 17 और 18, बहुत इम्पॉर्टेंट कल का वीडियो होगा, आरक्षण की बात किया जाएगा, उसमें कैसे लोगों को जो है कि रोज़गार में अवसर दिया जाता है और कैसे मतलब कि आरक्षण की व्यवस्था की गई है संविधान में। ठीक है दोस्तों, हम लास्ट में यही कहेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन फैकल्टी को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। लास्ट में यही कहेंगे, निस्वार्थ भाव से ज्ञान, यही है द एजुकेशन फैकल्टी की पहचान। जय हिंद दोस्तों।